तो दोस्तों मैं अभी हूँ लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम के बाहर, और क्राउड देखकर आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर होने वाला है लीजेंड क्रिकेट लीग का महा मुकाबला। इसमें हमें खेलते हुए नजर आएंगे गौतम गंभीर, मिचेल जॉनसन, इरफान पठान और यूसुफ पठान जैसे लीजेंड्स प्लेयर। इस वीडियो में हम करीब से देखेंगे काना क्रिकेट स्टेडियम को और देखेंगे टीवी पर और रियल में ग्राउंड पर क्रिकेट मैच देखने में क्या फर्क आता है। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी मैच देखने आना चाहते हैं तो अपने साथ कोई भी लगेज या बैग मत लाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बैग रखने की व्यवस्था नहीं होती है। तो आइए चलते हैं स्टेडियम के अंदर। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ स्टेडियम के अंदर, और आप यहाँ पर व्यू देख सकते हैं काना क्रिकेट स्टेडियम का। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है ये स्टेडियम। यहाँ पर दोनों ही टीमें अभी प्रैक्टिस कर रही हैं, अभी टॉस नहीं हुआ है, अभी बज रहे हैं 6:30, टॉस टाइम है 7 बजे का। और अब मैं आपको दिखाता हूँ खिलाड़ियों को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो ये कैच पकड़ने वाले हैं, ये हैं गौतम गंभीर, जिसने कैच पकड़ी है ये गौतम गंभीर थे, और बॉलिंग करने जा रहे हैं इरफान पठान। आप देख सकते हैं सारे खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है। जहाँ पर मेरी सीट है उसी के पास लगा हुआ है मेन कैमरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और उसी के पीछे लगी है साइड स्क्रीन। साइड स्क्रीन भी मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके, ये देख सकते हैं यहाँ पे साइड स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर लाइव मैच चलता है। और यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ अपना काम कर रहा है, जितने भी ओस है, पानी है, उसे साफ कर रहा है। यहाँ पर टॉस हो चुका है, भिलवाड़ा किंग्स ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। बैटिंग करने आएंगे गौतम गंभीर इंडिया कैपिटल्स की तरफ से। और यहाँ पर दोनों ही टीमें लाइनअप हो रही हैं, और अब होने वाला है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान होने के बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इरफान पठान अपनी पहली बॉल फेंकने जा रहे हैं, और इसका सामना करेंगे गौतम गंभीर। और ये शॉट मारा है पीछे की तरफ, देखते हैं 4 रन जाएगा या नहीं जाएगा। और यहाँ पर खिलाड़ी ने पकड़ लिया है, देखते हैं कितने रन भागे हैं ये लोग। 3 रन भाग चुके हैं, इतनी देर में 3 रन भाग गए। ये देख सकते हैं आप ड्रोन, यहाँ से जैसे ही ड्रोन सामने आता है पूरी पब्लिक चिल्लाने लगती है खड़ी होकर के, उसका इमेज उनके फोटोज आ रहे हैं स्क्रीन पर, इसलिए सभी लोग चिल्लाने लगते हैं जैसे ही कैमरा या ड्रोन कैमरा सामने आता है। Point of the game is
से चली गई। देख कर रहे हो हम पूरे पैर सुबह विकेट ले गया। पर 20 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं और इंडिया कैपिटल्स ने रन बनाए हैं 198 198। पहली इनिंग तो काफी शानदार रही, देखते हैं ये रन चेज होते हैं या नहीं। जैसे ही यूसुफ पठान बैटिंग करने के लिए आए पूरा क्राउड तेज से शोर मचाने लगा और यहां पर इसी के साथ यूसुफ पठान ने मार दिया है 6 रन। Yeah!
और यहां पर भिलवाड़ा किंग्स 120 रनों पर ऑल आउट हो चुकी है। 78 रनों से हराया है इंडिया कैपिटल्स ने भिलवाड़ा किंग्स को। यहां पर फर्स्ट इनिंग देखने में तो काफ़ी मजा आया, सेकेंड इनिंग में मैं काफ़ी बोर हो गया था यार, मतलब रन ही नहीं मार पा रहे ये लोग, टेस्ट खेलने आए थे क्या था। सेकेंड इनिंग में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो दोस्तों हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको ग्राउंड का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारा लेटेस्ट व्लॉग देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले हर व्लॉग के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले।